और परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी शुरुआत में, लेकिन प्राइवेट जॉब करने के लिए सोचा, लेकिन फिर उसके बाद एक साल तैयारी की, उसके बाद मतलब ज्वाइन किए, फाइनली यहाँ सिलेक्शन हो गया 2014। अच्छा, तो सपना तो मतलब सरकारी नौकरी पहले तो था ही नहीं, तो उन्होंने बताया कि मतलब एक्सीलेंट विजन बढ़िया कोचिंग है, शुरू से जो पढ़ाया जाने लगा उसको डेली बेसिस से तैयार करता था, फिर टेक्निकल जितना भी पढ़ाया गया यहाँ के अलावा मैंने कहीं से भी कुछ भी नहीं लगा, जितना पढ़ाया जो कंटेंट दिया गया आपने उसी को पढ़ा और उसी को प्रॉपर रिवाइज किया जी, बहुत बढ़िया। खुद का सारा नोट्स बनाया, उसी को बार बार पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसके बाद आपने बताया कि जॉब करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं दिल्ली में। पापा ने कभी मतलब ऐसा फील ही नहीं उन्हें दिया कि मतलब कि अब निकल पढ़ाई छोड़ना ही पड़ेगी। और सबसे जानकारी बताया कि राहुल मौर्य हमारे सबसे यंगेस्ट जूनियर इंजीनियर हैं हमारे कोचिंग के। हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज हमारे साथ राहुल मौर्य हैं, जो कि CPWD में ऑल इंडिया रैंक 45 है इनका सिविल इंजीनियरिंग में। सबसे पहले राहुल मौर्य, आपको एक्सीलेंट परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू टू ऑल एक्सीलेंट विजन फैमिली। एंड मेरा नाम राहुल मौर्य है और मैं ग्राम बेनीपुर जिला बस्ती का रहने वाला, बस्ती करने वाले हैं। राहुल मौर्य, ये बताइए कि आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसे है, आपके माता पिता भाई बहन इनके बारे में बताइए। परिवार में मेरे सर मेरे माता पिता, दो बड़ी बहनें और उसके बाद एक छोटा भाई है। और परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी शुरुआत में, लेकिन इस वजह से मैंने हाई स्कूल किया, हाई स्कूल के बाद सीधा डिप्लोमा किया, और डिप्लोमा करने के बाद मैंने सोचा कि मतलब प्राइवेट जॉब करने के लिए सोचा, लेकिन फिर परिवार की थोड़ी अच्छी उस समय थी तो चले गया इलाहाबाद। उसके बाद एक साल तैयारी की, उसके बाद मतलब ज्वाइन किए पिछले 2022-23 में, उसके बाद फाइनली यहाँ सिलेक्शन हो गया 2014। अच्छा, तो आप जब आपने कब से सपना बना रखा था कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में इंजीनियर के पद पर चयन कर लेना है? सपना तो मतलब सरकारी नौकरी पहले तो था ही नहीं, मतलब कुछ मालूम ही नहीं था इसके बारे में। तो कब इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई? होता ना सर कि जैसे मतलब जहाँ तक रास्ता दिखता है आपको वहाँ तक पहुँचो, फिर आगे जैसे उसके बाद फिर आगे का रास्ता खुद ही दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार पहले हाई स्कूल किया, फिर हाई स्कूल के बाद सर ने बताया कि मतलब डिप्लोमा कर लो, फिर डिप्लोमा जब किया तो कुछ लोग थे मतलब दोस्त वगैरह उनके भैया भैया तैयारी किए थे, तो उन्होंने बताया कि मतलब एक्सीलेंट विजन बढ़िया कोचिंग है, ज्वाइन कर लो। आपको कॉलेज में जब गए तो वहाँ सीनियर से पता चला आप लोगों को इसके बारे में एक्सीलेंट की विजन। आप जब एक्सीलेंट विजन को ज्वाइन किए तो आपका एक्सीलेंट के साथ क्या अनुभव रहा और आपने यहाँ क्या सीखा? सर अनुभव तो बहुत बढ़िया रहा, शुरुआत में मतलब बिना डेमो के ही मैंने सीधे एडमिशन ले लिया था। अच्छा। क्योंकि सर इतने बच्चे अगर हैं तो मतलब पागल थोड़ी ना है कि मतलब तुरंत एडमिशन ले लेंगे। हाँ। तो इस वजह से मैंने बिना डेमो के सीधे एडमिशन ले लिया था। उसके बाद शुरू से जो पढ़ाया जाने लगा उसको डेली बेसिस से तैयार करता था। उसके बाद नानटेक वगैरह मतलब अच्छी पकड़ बना ली शुरू में ही, 4-5 महीने में नानटेक वगैरह तैयार कर लिया। उसके बाद फिर टेक्निकल जितना भी पढ़ाया गया यहाँ के अलावा मैंने कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ा, जितना पढ़ाया गया जो कंटेंट दिया गया आपने उसी को पढ़ा और उसी को प्रॉपर रिवाइज किया जी, बहुत बढ़िया। खुद का सारा नोट्स बनाया, उसी को बार बार पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। उसके बाद राहुल, जब आप तैयारी करते हो तो कई तरह की समस्या आती है, बहुत आप लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, पिताजी भी आपके, आपने बताया कि जॉब करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं दिल्ली में, हाँ सिलाई का काम करते हैं, तो कई बार आर्थिक स्थिति का भी सामना करना पड़ता है, आर्थिक रूप से भी आपको दबाव होता है, कई बार आपको पढ़ाई का भी बोझ होता है आपके ऊपर, तो आप इस सब चीज़ों से कैसे, आप बच्चों को बताइए कि जब समस्या तो एक लाइफ का पार्ट है, जब ये समस्या आती थी तो किस तरह से इस समस्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे? समस्या सर थोड़ा पेशेंस रखते थे, मतलब कोई दिक्कत होती थी तो पापा से भी बात करते थे, पापा कहते थे कि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मतलब तुम ज़्यादा परेशान मत हो, अभी समय लगेगा थोड़ा हो जाएगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं, तो इस वजह से केवल मेहनत करो हो जाएगा सब। तो इस वजह से मतलब डरता तो नहीं था कि मतलब किसी पेपर से लेके या फिर मतलब कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेता था। और बच्चों की बहुत शिकायत होती है, शिकायत खुद से भी होती है कि हम पढ़ाई करते हैं मैनेज नहीं कर पाते हैं, रिवाइज नहीं कर पाते हैं, बार बार हर स्टूडेंट से ये बोलता है कि पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, टाइम मैनेजमेंट को लेकर आप बच्चों को क्या आप बताइएगा? टाइम मैनेजमेंट सर जितना डेली पढ़ाया गया, शाम को मतलब डेली का ये होता था कि शाम को उतना तैयारी कर लेना है, सारे नोट शाम को ही बन जाना था, सुबह उठ के फिर नानटेक का रिवीजन करना है, कुछ मतलब करंट अफेयर पढ़ना है, ऐसे मतलब डेली मतलब चलता रहता था। ठीक है ठीक है। आपकी पूरे जर्नी में सबसे ज़्यादा सहयोग कौन किया आपको, बहुत मुश्किल से मुश्किल समय में, उनके बारे में बताइए। मुश्किल समय में सर हमेशा मतलब पापा ने कभी मतलब ऐसा फील ही नहीं उन्हें दिया कि मतलब कि अब निकल पढ़ाई छोड़ना ही पड़ेगी, पापा हमेशा साथ में रहे, मतलब
कोई भी दिक्कत होता तो पापा को बताता था, पैसे की तो कभी आने दिक्कत आए नहीं दिए, मतलब पापा तो वही समस्या जो भी है उनकी जिंदगी में उन्होंने कभी आप तक आने दी नहीं, आपको जो भी जरूरत था उन्होंने मुहैया कराया। तो जो आपका पिता, आपको पता है कि पिताजी कितना मेहनत से काम करते हैं, तो आपकी जो परिवार की स्थिति है, परिस्थिति है, कहीं ना कहीं वो आपको आपको मोटिवेशन काम किया। मम्मी भी अभी मतलब घर पे, मतलब सर मतलब पशुपालन वगैरह होता हम लोग के खेती, घर पर इस समय मम्मी है, छोटी भाई है, तो मतलब सारा काम मम्मी खुद देते हैं, सुबह उठना सारा काम, भैंस वगैरह सब कुछ है, सारा काम मम्मी करते हैं अभी भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो माता पिता का जो आपका मेहनत है, जो विश्वास है आप पे, आपने उसको कायम किया। दोस्तों जो आपका परिवार का स्थिति होता है, बार बार बोलते हैं और इसलिए इन बच्चों को ला रहे हैं, ये बच्चे बहुत साधारण परिवार से बच्चे आते हैं और कुछ पता नहीं होता है, कुछ अवेयर नहीं होता है कि क्या बनता है, क्या करना है, और उसके बाद ये करते हैं। और सबसे जानकारी बताया कि राहुल मौर्या हमारे सबसे यंगेस्ट जूनियर इंजीनियर हैं हमारे कोचिंग के, जिन्होंने 10th के बाद ही डिप्लोमा ज्वाइन किया था और जस्ट पॉलिटेक्निक ज्वाइन करने के बाद एक्सलेंट को ज्वाइन किया और ये बैच नंबर 3 में थे। अब बैच नंबर 3 में थे और जैसे इनका बैच कम्प्लीट हुआ, SSC JEE का पेपर था और प्री निकालिए, मेंस निकालिए, उन सारे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अभी फिलहाल हमारे यहाँ कोचिंग कर रहे हैं, जो ऑनलाइन की क्लासेज कर रहे हैं, कि आप क्लासरूम के साथ आप मेहनत करके आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। आप जूनियर्स को क्या बोलोगे, क्या आप किस बात पे और ध्यान देना चाहिए, संक्षेप में बताइए कि इनको इनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं परीक्षा के लिए। जो भी जूनियर्स हैं सर, जिस भी स्टेज पे हैं उस लेवल में, मतलब जैसे डिप्लोमा में हैं तो डिप्लोमा की चीज़ें अच्छे से पढ़ें, ये नहीं कि मतलब तैयारी करना है तो अभी से तैयारी के बारे में शुरू कर दें। डिप्लोमा में है तो डिप्लोमा की बुक्स पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, यहाँ आए तो फिर जो जितना पढ़ाया जा रहा है उसको डेली मतलब तैयार करते जाएं। मतलब आगे के बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, जिस स्टेज पे है उसी स्टेज की मतलब पूरी रोज का रोज काम, जो सामने आपकी चीजें हैं आप उसको पहले बेहतर तरीके से कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, हमेशा कुछ सीखने का प्रयास करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुभकामना, आप जीवन हमेशा आगे बढ़िए और बेहतर कीजिए, सोसाइटी के लिए भी आप अच्छा करते रहिए। थैंक यू।